नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट के सम्स करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ASA टेस्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसमें देखिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के, फिर साइड BC कॉन्ग्रुएंट है साइड QR के, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल R के। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA टेस्ट। मतलब क्या होता है इसका, देखिए एंगल साइड एंगल टेस्ट। देखिए यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर साइड कॉन्ग्रुएंट है, और फिर उसके बाद एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया ASA टेस्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं SAS टेस्ट। ये क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसमें देखिए साइड AB कॉन्ग्रुएंट है साइड PQ के, और फिर एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के, साइड BC कॉन्ग्रुएंट है साइड QR के। तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, SAS टेस्ट। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, SAS टेस्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं SSS टेस्ट। ये क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो इसमें देखिए साइड AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड PQ के, फिर साइड BC कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड QR के, और साइड AC कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड PR के। तो ये दोनों ट्रायंगल SSS टेस्ट से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, SSS टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, साइड 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 टेस्ट। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये क्या होता है, देखिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल Q के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो हाइपोटेनियस AC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, हाइपोटेनियस PR के। ठीक है, और फिर ये AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQ के। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय विच टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देखिए यहाँ पे हमने जो भी टेस्ट पढ़े उसे आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ASA टेस्ट, इट मीन्स एंगल साइड एंगल टेस्ट। फिर हमने सेकेंड पढ़ा था SAS टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। फिर यहाँ पे हमने थर्ड पढ़ा था SSS टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। और यहाँ पे हमने लास्ट में पढ़ा था हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद सेम साइन, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और इनमें जो भी पार्ट कॉन्ग्रुएंट है उसको मार्क भी किया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल हैं ये किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पे साइड AB कॉन्ग्रुएंट है साइड PQ के, साइड BC कॉन्ग्रुएंट है साइड QR के, और साइड AC कॉन्ग्रुएंट है साइड PR के। तो इसमें कौन सा टेस्ट आएगा, SSS टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय SSS टेस्ट, ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, यहाँ पे देखिए साइड एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है साइड एल एम के, और फिर यहाँ पे एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, और साइड वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है साइड एम एन के। तो इसमें कौन सा टेस्ट आएगा, देखिए साइड एंगल साइड टेस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस ए एस टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वन, देखिए इसमें कौन सा टेस्ट आएगा, यहाँ पे देखिए एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस के, और फिर साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट है किसके साइड एस टी के, और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल टी के। तो इसमें कौन सा टेस्ट आएगा, देखिए एंगल साइड एंगल टेस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एस ए टेस्ट। देखिए यहाँ पे ए एस ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब चलिए हम फोर्थ वन देखते हैं, देखिए इसमें एंगल एम कॉन्ग्रुएंट है एंगल टी के, और हाइपोटेनियस एल एन कॉन्ग्रुएंट है किसके हाइपोटेनियस पी आर के, और यहाँ पे सेग एल एम कॉन्ग्रुएंट है किसके सेग पी टी के। तो ये दोनों ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे देखिए हाइपोटेनियस, और फिर उसके बाद यहाँ पे साइड भी लिखना है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, ऑब्जर्व द इन्फॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ना, ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो इनके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उनको भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस जो बॉक्स है ना उसे हमें फिल करना है। देखिए यहाँ पे दिया है ये वाला हम देख रहे हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के, देखिए एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, फिर सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग क्यू आर, फिर उसके बाद एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो देयर फॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखिए इसमें कौन सा टेस्ट आएगा, ए एस ए टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एस ए टेस्ट, ठीक है। अब जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उनको लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बी ए सी, देखिए एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल लिया है, तो इसमें क्या आएगा एंगल क्यू पी आर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल क्यू पी आर, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर यहाँ पे है सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें देखिए क्या आएगा सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके सेग पी क्यू के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेग पी क्यू, इसका रीज़न क्या हो जाएगा,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सेग पी आर, तो इस ट्रायंगल में से क्या होगा, सेग ए सी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेग ए सी, सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा सेग पी आर के। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वन क्या दिया है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल पी टी क्यू और ट्रायंगल एस टी आर। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, ये अलग है और यहाँ पे ये अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंड ट्रायंगल एस टी आर, सेग पी टी कॉन्ग्रुएंट टू सेग एस टी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेग पी टी कॉन्ग्रुएंट टू सेग एस टी, मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर एंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमें पता है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए जो एंगल पी टी क्यू है, मतलब ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एस टी आर के, इट मीन्स इसके, इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर यहाँ पे सेग टी क्यू कॉन्ग्रुएंट है सेग टी आर के, देखिए टी क्यू कॉन्ग्रुएंट है टी आर के, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एस टी आर के। किस टेस्ट से होंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, देखिए यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस ए एस टेस्ट। ठीक है, फिर अब जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू, क्या दिया है देखिए, एंगल टी पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, टी एस आर के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल टी एस आर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एंगल टी आर एस, टी आर एस, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी क्यू पी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल टी क्यू पी, मतलब एंगल टी क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल टी आर एस के। फिर इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेग पी क्यू क्या दिया है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सेग एस आर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट एश्योरिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। देखिए हमें यहाँ पे टेस्ट बताना है कि किस टेस्ट से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो इनके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं इनको भी हमें लिखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ईच ऑफ 90 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी आर, यहाँ पे हम लिखते हैं सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी आर। और फिर देखिए यहाँ पे सेग बी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेग बी ए
कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू, इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, क्योंकि ये पहले से ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेस्ट आएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, मतलब हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये जो दोनों ट्रेंगल हैं ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर फॉर ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देखिए हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, अब जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है ना उनको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर, और फिर देखिए यहाँ पे एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल क्यू आर पी के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी, और इसका रीजन हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और फिर उसके बाद देखिए यहां पे ये जो सेग ए सी है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सेग क्यू आर के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग क्यू आर, इसका रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है, एस वन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्रेंगल एल एम एन एंड ट्रेंगल पी एन एम, एल एम इज इक्वल टू पी एन, एल एन इज इक्वल टू पी एम, राइट द टेस्ट विच एश्योर्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो इसको भी हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे ही करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी एन एम। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हुआ है, एल एम एन मतलब ये वाला ट्रायंगल, और फिर पी एन एम मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेग, देखिए एल एम कॉन्ग्रुएंट है सेग किसके, पी एन के। हम यहाँ पे लिख देते हैं एल एम कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी एन, ये हो गया। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेग एल एन कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग पी एम के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेग एल एन कॉन्ग्रुएंट टू सेग
पी एम, ये दोनों क्या है, गिवन है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एम एन आ रहा है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कैसे है? देखिए एल एम एन इस ट्रायंगल में भी आया और यहाँ पे पी एन एम इस ट्रायंगल में आया, मतलब ये जो साइड है ना ये क्या है, कॉमन है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सिग एम एन कॉन्ग्रुएंट टू सिग एन एम, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेस्ट आया, साइड 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 टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर फॉर ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एन एम, और यहाँ पे इसका रीजन हो जाएगा बाय एस एस टेस्ट। अब जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें एंगल एम एल एन कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल एन पी एम के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एम एल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन पी एम, और फिर यहाँ पे देखिए इसमें एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल पी एन एम के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल एल एन एम कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल पी एम एन के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एल एन एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम एन, और इन तीनों का रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन फिगर 3.24 सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी बी एंड सेग ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी डी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देखिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। क्या प्रूव करना है, पहले हम उसको लिख लेते हैं टू प्रूव, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, देखिए इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये देखिए यहाँ पे सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी बी, और फिर देखिए सेग ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी डी। तो
तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेग ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी डी, ये दोनों क्या है गिवन है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सेग है बी डी ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। देखिए ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रहा है और ट्रायंगल सी बी डी में भी आ रहा है, मतलब ये वाला जो साइड है ना ये क्या है कॉमन साइड है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेग बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेग बी डी, इसका रीजन क्या हो जाएगा कॉमन। ठीक है तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेस्ट आया साइड 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 टेस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, और इसका रीजन यहाँ पे लिख देंगे बाय एस 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 टेस्ट, मतलब एस 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 टेस्ट से ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इन फिगर 3.25 एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, मतलब ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। फिर सेक पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेक आर क्यू, तो हमें क्या प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस। देखिए ट्रायंगल पी क्यू टी मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाला ट्रायंगल वो इस ट्रायंगल के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, पहले हम उसको लिख लेते हैं टू प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, इसमें एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है किसके एंगल आर के, और सेग पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके सेग आर क्यू के, ये दोनों क्या है गिवन है। देखिए हमने क्या लिखा कि एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के, ये यहाँ पे दिया हुआ था, और सेग पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके सेग आर क्यू के। ठीक है अब हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, क्यू क्योंकि देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल है ना दोनों में ये क्यू आर है, देखिए यहाँ पे पी क्यू टी और आर क्यू एस, मतलब ये एंगल क्यू क्या है कॉमन एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू एस, और इसका रीजन यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस, इसका रीजन हो जाएगा क्या होगा देखिए एंगल साइड एंगल टेस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ए एस ए टेस्ट, मतलब ए एस ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट होता है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।